रीअश्योरेंस। इससे पहले वीडियोस में आपने त्रिकोणमितीय फलन के कुछ फॉर्मूलास को समझा। अब आइए इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसके जो शेष फॉर्मूलास हैं उस पर बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डिग्री माप के संदर्भ रेडियल माप ज्ञात कीजिए। तो डिग्री को हमें रेडियल में चेंज करना है, तो मैं डिग्री को रेडियल में चेंज करने के लिए बता चुका था आपको कि पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई करती है तो ये रेडियल में चेंज हो जाता है। 25 डिग्री माइनस 47 डिग्री 30 मिनट 240 डिग्री 520 डिग्री। चलो इसे कन्वर्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये मिनट क्या है। जिस तरह से समय में होता है, घड़ी से जो समय लगाते हैं उसमें घंटा होता है, मिनट होती है, सेकंड होता है, ठीक उसी तरह एंगल नापने के लिए, कोण नापने के लिए भी हम डिग्री का उपयोग करते हैं। डिग्री से छोटा मात्रक होता है मिनट और मिनट से छोटा मात्रक होता है सेकंड। एक डिग्री जो होती है उसमें 60 मिनट होती है, यानी जो मिनट है ये समय का मात्रक नहीं है, यहाँ ये एंगल का मात्रक है, कोण का मात्रक है। एक डिग्री में 60 मिनट होती है और एक मिनट में 60 सेकंड होती है, और डिग्री का साइन होता है इस तरह से और मिनट का साइन होता है इस तरह से गैस निकल रहा है और सेकंड का साइन होता है डबल डैश लगा के। तो आइए सॉल्व करते हैं। 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, 25 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25 और 5 से 80 180 को डिवाइड करेंगे, 5 से 15 5 से 20 यानी 5 पाई बाई 36 ये हो गया। दूसरा है -47 डिग्री 30 मिनट। अब 47 डिग्री माइनस किया तो माइनस बाहर ले लेते हैं ना, 47 डिग्री 30 मिनट का मतलब हो गया आधी डिग्री, 1/2 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, तो इसे लिख सकते हैं हम 47 + 1/2 डिग्री। तो एक साल करेंगे इसे तो 47 × 94 + 1/2 यानी 95/2 डिग्री हो गई, बाहर माइनस का माइनस। अब डिग्री मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, अब इसको हमने सरल कर दिया, ठीक है, काट दिया 5 से 1 डिग्री ऊपर नीचे, तो ये हमें -90 पाई अपॉन 72 मिल गया, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज दिस 240 डिग्री को कन्वर्ट करना पाई अपॉन 180 से डिवाइड कर दो, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, तो हमें 4π/3 मिल जाएगा। इसी तरह लास्ट वन है 520, इसे भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 226π/9 मिलेगा। वेरी सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित रेडियन माप के संदर्भ डिग्री माप ज्ञात कीजिए। अभी आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था, अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखिए ये है 11/16 तो 11/16 को हम रेडियन से डिग्री में बदलेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई अपॉन 180 करते थे इसमें 180/π, जस्ट व्युत्क्रम। तो 11/16 180/π को क्या रखेंगे, 22/7, तो ये हो गया 315/8 यहाँ से सरल करेंगे तो, और 315 का 8 से भाग दोगे तो 39 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा, प्लस कह सकते हैं 39 सही 3/8 या 39 + 3/8 डिग्री 39 डिग्री अलग हो गया, 3/8 डिग्री अलग। अब 3/8 जो डिग्री है इसे मिनट में कन्वर्ट करो, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा, जो कि एक डिग्री में 60 मिनट होती है, तो 3/8 में 60 से गुणा करोगे तो ये इतनी मिनट होगी। अब 3/8 × 60 इसको सरल कर दो, जैसे 4 से काटो से 4 गुना
और ए बटे दो यानी ए बटे दो यानी आधी मिनट और बची। अब इस मिनट को आधी मिनट को हम 30 सेकंड कह सकते हैं क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आधी मिनट के लिए एक बटे दो मिनट के लिए हम यहाँ 30 सेकंड लिखेंगे। तो 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड ये हमारी वैल्यू आ गई। इस तरह से हमने इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट है माइनस 4। जब ये तुम 11 अपॉन 16 से कन्वर्ट कर सकते हो, मैं इसे फिर माइनस को बाहर ले लो, इसी तरह इसे भी और इसको दोनों को तुम कन्वर्ट कर लो। जैसे 5π/3 है और हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, हमारे 18π की, तो यहाँ पर 18π से मल्टीप्लाई करो, 5 से 5 कैंसिल, 3 से डिवाइड करो, 3 6 18 16, तो 6 5 30 300 आ रहा है, तो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।